हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कौन सी क्लास है बेटे आपकी? सिक्स हाँ, सिक्स्थ क्लास का चैप्टर नंबर 8 इंग्लिश की बुक का। तो आप देख सकते हैं कौन सी बुक है। बुक हनीकॉम की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 8 है। ये हमारा बाबू, हमारा बच्चा पढ़ रहा था बैठ के यहाँ पर, मतलब हमारा ब्रदर पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा आप भी छोटे बहन भाई हो, आप लोगों को भी मैं बता दूँ, ठीक है? तो आप देख लेना ये थोड़ा सा। ए गेम ऑफ चांस, क्या चैप्टर का नाम? ए गेम ऑफ चांस, मतलब जैसे आपने कभी, जैसे लकी ड्रॉज वगैरह होते हैं ना, लकी ड्रॉ आप वो डाला, कुछ गेम वेम छोटे मोटे खेलते हैं। फिर जैसे आपने कभी टीवी में देखा हो, जैसे कि आप ये फोटो में भी देख सकते हैं ना, कि भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर दूर से वो एक रिंग सी होती है, रिंग फेंक कर चीज़ों पे, जौन सी चीज़ में रिंग चली गई फिर वो चीज़ आपकी हो जाती है। इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना ड्रॉ जीतने के। तो यहाँ पे वही एक गेम वेम के बारे में ही ये चैप्टर है, ठीक है? क्या लिखा है? एवरी ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ ईद, ईद के मौके पर क्या होता है हर साल? हाँ, देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज, हमारे गांव में क्या होती है, हमारे गांव में मेला लगता है। फेयर मतलब होता है मेला, ओके? हाँ देखो, एवरी ईयर हर साल, ओकेशन मतलब होता है कि मौके पर, अवसर पर। कौन से अवसर पर, किस चीज़ का अवसर? ईद के अवसर पर। देयर वॉज अ फेयर इन आवर विलेज, ओके बेटे? देखो यहाँ पे फेयर मतलब होता है मेला, इन मतलब में होता है, आवर विलेज हमारे गांव में। तो यहाँ पे ये सिंपल सी पूरी लाइन का क्या मतलब हो गया? ईद के मौके पर हर साल हमारे गांव में मेला लगता है, ओके? ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे, बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। देखो ईद आपकी, आप स्कूल में अगर पढ़ते हो तो ईद की छुट्टी होती होगी, लेकिन ईद की छुट्टी कितने दिन की होती? सिर्फ एक ही दिन होती है ना। तो यहाँ पे एक जो भी बच्चा बच्चे की कहानी है, जो भी ये बोल रहा है कि ईद की, ईद तो सिर्फ एक दिन की होती है, लेकिन जो मेला है वो कई दिनों तक चलता है, ओके? ट्रेडमैन्स फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। ट्रेडमैन क्या होता है? ट्रेडमैन मतलब होता है ट्रेड करने वाले, ट्रेड मतलब, ट्रेड होता है व्यापार, व्यापार करना, ठीक है? ट्रेड मतलब व्यापार हो गया, ट्रेड्समैन हो गया व्यापार करने वाले लोग, व्यापार करने वाले जो लोग हैं, मतलब जो सामान, जो अपना सामान बेचते हैं, हाँ, दूर दूर से। वो कहाँ से आते हैं? बहुत दूर दूर से आते हैं। फार मतलब, तो आप है ना, आप कैसे करोगे? ये जो शब्द है ना, शब्दों का मतलब समझने की कोशिश करना, और कहानी आपको समझ में आती रहेगी, और थोड़ी बहुत आपको बैकग्राउंड में, मतलब पीछे साइड से बच्चों बच्चों की आवाज़ आ सकती है, तो आप उसे इग्नोर करना, बात को समझने की कोशिश करना जो मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनना, और ये आप यहाँ पे बुक में देखना, ओके? ओके बच्चों, हाँ, तो देखो जहाँ पे ज़्यादा वॉइस हो रही है ना, तो वहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पॉज कर देती हूँ, तो आपको थोड़ा सा लग सकता है कि क्या बार बार बंद हो रहा है, बार बार वही बातें रिपीट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देख लेना, ओके बेटे? हाँ, तो ट्रेडमैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। गुड्स मतलब देखो, वैसे गुड आपने हमेशा सुना हो, गुड मतलब क्या? अच्छी चीज़ है ना, गुड मतलब अच्छा। यहाँ पे एस लगा है ना, जहाँ पे गुड के पीछे एस लग जाए उसका मतलब हो जाता है सामान, गुड्स मतलब सामान। ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स मतलब बहुत तरीके के, अलग अलग तरीके के सामान लेकर बहुत दूर दूर से जो ये व्यापारी लोग होते हैं, ट्रेड्समैन होते हैं, वो आते हैं, ओके? अभी नेक्स्ट पेज पे देख लो, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ ट्रेडमैन, ट्रेडमैन मतलब क्या? शॉपकीपर्स और पीपल्स हु हैव गुड्स टू सेल, मतलब वे लोग, दुकानदार, वे दुकानदार या लोग जो सामान बेचते हैं, ठीक है? तो व्यापारी भी तो वही होते हैं ना, जो व्यापार करते हैं, चीज़ें बेचते ही तो हैं, बेचते खरीदते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट पेज पे देखो, समझते जाना साथ में तुम भी। टू सेल मतलब बेचते हैं। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बुफेलो, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि इस बाजार में जो ये मेला लगता है, इस तरीके के मेले में आप क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं, बाय मतलब खरीदना, खरीद सकते हैं एनी थिंग मतलब कुछ भी चीज़ें, फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बुफेलो, मतलब इस मेले में आप पिन से लेकर पिन मतलब क्या होता है? छोटी सी होती है ना पिनअप करने वाली, आल पिन जिन्हें बोल देते हैं, या साड़ी पिंस होती हैं, और भी स्टेपल पिंस होती हैं। तो यहाँ पे वो ही कह रहा है कि एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक आप यहाँ पर ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है कि आप पिन से लेकर बुफेलो तक, मतलब बड़ी बड़ी भैंसे भी यहाँ पर खरीद सकते हैं, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ओके? अंकल टुक मी टू द फेयर, अंकल वो गए, अंकल की स्पेलिंग ये होती है UNCLE, अंकल
टुक मी, टुक मतलब होता है ले जाना, टेक मतलब लेना होता है, टुक ये है सेकंड फॉर्म। किसकी सेकंड फॉर्म है? ये सेकंड फॉर्म है टेक की, टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक, टी ए सी टी ए के ई, टेक होता है उसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक, डबल ओ आ जाता है। ओके, टुक मी टू द फेयर, लेकर गए थे अंकल मुझे मेले में लेकर गए थे, ये मतलब निकला इसका। ओके, भैया, फिर आगे भैया टू वर्कड फॉर अस एट होम, भैया टू वर्कड फॉर अस एट होम, केम विद अस, भैया मतलब यहाँ पे कि भैया, जो भैया हु वर्कड, जो काम, जिसने काम किया था फॉर अस हमारे लिए, कहाँ पर, घर में, घर में हमारे लिए, जिसने भी काम करा था, जिस भैया ने हमारे लिए घर पर काम किया था वो भी हमारे साथ आए, ठीक है। वर्कड मतलब काम किया था, देखो ईडी ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तुम भी समझती जाओ, तुम्हारे भी वर्ब की क्या है सेकंड फॉर्म है। फॉर अस, अस मतलब हमारे लिए, घर पर काम किया, केम मतलब आए, ये कम की सेकंड फॉर्म है, केम विद अस हमारे साथ आए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर, देयर वॉज अ बिग क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्राउड मतलब होता है भीड़, किसकी भीड़, लोगों की भीड़, कहाँ पर, फेयर में, मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड, अंकल वॉज लीडिंग अस, लीडिंग मतलब होता है कि अंकल हम सबको लेकर चल रहे थे, लीडिंग मतलब होता है कि मुखिया, एक जो लीड करता है कि भाई आप ऐसे चलिए, ये करिए, वो करिए, यहाँ से चलिए, वैसे चलिए, वो होता है लीडिंग, मतलब जो जो क्या करता जाए, जो इंस्ट्रक्शन देता जाए, वो लीड करना होता है एक तरह से, नेतृत्व करना, ठीक है। हमें बोल रहे थे, मतलब अंकल हमारे मुखिया थे, अंकल हमें बता रहे थे ये करना है, ऐसे करना है, इधर चलना है या ऐसे चलना है, या आगे आगे वो चल रहे थे, पीछे पीछे हम चल रहे थे, ये बात। थ्रू द क्राउड, वो जो भीड़ चल रही थी, भीड़ में अंकल आगे आगे चल रहे थे, हम पीछे पीछे अंकल के चल रहे थे। व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, जब वो अपने कुछ दोस्तों से मिले तो क्या हुआ, दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम्स विद देम, अंकल क्या चाहते थे, अंकल चाहते थे, अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट ए फ्यू फ्रेंड्स ऑफ हिज फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, जो अंकल है, अंकल जब अपने फ्रेंड्स से मिले